मैं यही बोल रही हूँ, पुलिसमैन की ज्यादा ही होगी, थीफ की 10 होगी और पुलिसमैन की 11 होगी। यस ये स्पीड ही होगी क्योंकि पर आर लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आर, दैट मींस ये स्पीड की बात कर रहे हैं। मैम। उन्होंने आगे पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स, तो 6 मिनट के बाद बताओ उनमें कितना डिस्टेंस होगा। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, स्पीड और टाइम। स्पीड तो वैसे तो स्पीड भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है। अब क्या करोगे, आप स्पीड 2 दे रखी है तो आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड। लेकिन एवरेज स्पीड नहीं निकालनी होती, अब इसमें लगेगा रूल सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन का। ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, माइनस। लिख लो एक साइड पे। जब सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन होती है स्पीड स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो प्लस जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, दैट मीन्स स्पीड फिर कितनी हो जाएगी, 11 माइनस 10। स्पीड कितनी हो जाएगी, 11 माइनस 10 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन था तो स्पीड माइनस होंगी। यस मैम। ओके, टाइम कितना दे रखा है, 6 मिनट्स। लेकिन वही यस ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट्स में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मिनट को आर में कन्वर्ट करना किस कैसे करेंगे, इनटू 60 इन 260 डिवाइड मैम। डिवाइड डिवाइड बाय 60 यस मैम। कितना हो जाएगा, ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 1/10 हो गया, 1/10 आवर्स। डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू स्पीड टाइम। इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 1, टाइम कितना है 1/10, तो आंसर किस में आएगा, ये डिस्टेंस किस में आएगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में आएगा, मतलब यूनिट क्या होंगे। ये था किलोमीटर पर आर में, ये आर्स में, तो ये किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर पर। ये कितना बन जाएगा, 1/10 किलोमीटर आ गया। लेकिन 1/10 आंसर किसमें दे रखा है, मीटर्स में, तो किलोमीटर मीटर पर, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, थाउजेंड थाउजेंड से मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 200, मैम। तो उसमें से 100 तो चल चुके, तो बचा कितना, 100 मीटर। उन्होंने यही पूछा कि 6 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा, जितना टोटल है उसमें से 100 माइनस कर दो, कितना आएगा, 100 मीटर वो दूर है। हो गया क्वेश्चन ये सबका। यस नेक्स्ट देखो तब तक।
क्वेश्चन नंबर 33. टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए टू बी विच आर 120 किलोमीटर अपार्ट. इफ द टू कार्स ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 1 hour and if they travel after travel in the same direction they meet after kitne hours 6 hours what is the speed of the car p mere ko p aur q ki koi speed de rakhi hai unhone opposite aur same direction ka bataya hai main speed kya karti hu plus karti hu same direction mein minus karti hu aur opposite direction mein plus karti hu लेकिन स्पीड पता हो तभी तो करूंगी ना प्लस माइनस वो तो दे ही नहीं रखी मैम क्वेश्चन समझाइए एक बार कहंदे है कि दो मतलब दो जगह है ऐसा दो जगह है 120 किलोमीटर उनसे दूरी है डिस्टेंस है ठीक है कहंदे जी दोनों एक इधर चलती है एक इधर चलती है तो एक घंटे च मिलते हैं तो दोनों दोनों ही जे इधरों चलदिया ने तो ओवरटेक कितने घंटे च करती है एक दूसरे नु चार घंटे सॉरी ठीक है मैं स्पीड तो नहीं पता दोनों की स्पीड मैं दोनों की मानूंगी पी और क्यू है ना पी की मान लो पी की हम एक्स मान लेते हैं क्यू की हम वाई मान लेते हैं अच्छा टाइम दे रखा है टाइम कैसे निकलता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड डिस्टेंस तो 120 ही रहेगा स्पीड yes. क्या हो जाएगी जब वन आर कब दे रखा है जब अपोजिट डायरेक्शन में है अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा स्पीड को इक्वल टू वन क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम ही होता है मैम कैसे इक्वल टू वन कैसे क्योंकि टाइम वन आर दे रखा है तो नीचे एक्स प्लस वाई हाँ जी एफ को जो स्पीड है हमने एक्स माननी है ना हाँ जी x और y दो मानना है p की भी q की भी हाँ जी तो जो टाइम है हाँ जी टाइम क्या किसके इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड यस मैम डिस्टेंस 120 है स्पीड yes. क्या हो जाएगी 1 आवर कब दे रखा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या करेंगे दोनों को प्लस करेंगे यस मैम तो ये डिस्टेंस ओवर स्पीड इक्वल टू टाइम दूसरी साइड डिस्टेंस ऊपर उतना ही है लेकिन स्पीड जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी और टाइम तब कितना दे रखा है 6 आवर्स दे रखा है ठीक है इसको थोड़ा कैंसिल कर लो 6 × 6 = 120 = x + y ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया ये कितना आ गया 20 = x - y एक एक्स प्लस वाई दे रखा है एक एक्स माइनस वाई दे रखा है तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ ही सकती है हमें निकालनी किसकी वैल्यू है P की वैल्यू निकालनी है P की वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं X मतलब मेरे को Y खत्म करना मेरे को X नहीं सॉरी Y नहीं चाहिए X चाहिए बस इक्वेशन है 120 इक्वल टू X प्लस Y 20 इक्वल टू X माइनस Y X प्लस का है सॉरी Y प्लस का है Y माइनस का है ये तो आपस में कैंसिल हो गए कितना बचा कितना बचा मैम 140 इक्वल टू हाँ जी प्लस माइनस माइनस तो प्लस माइनस माइनस कहाँ से आ गया नहीं सॉरी दोनों प्लस के हैं 2x हाँ 2x तो फिर x कितना आ गया 70 हाँ जी बस 70 स्पीड आ गई मैं दोनों इक्वेशंस ऐड क्यों कितनी हैं क्योंकि मैंने वाई एक्स की वैल्यू चाहिए थी सी जो तो प्रॉब्लम और नंबर चैप्टर सी और तो चाहते ही होता सी एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी होती सी एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी होती सी आप एक नु कैंसिल करवा देते सी नहीं माइनस नहीं करते सी उदों माइनस ता करते सी जे मैंने एक्स की वैल्यू चाहिए होती एक्स की वैल्यू खत्म करनी होती सॉरी तो एक्स एक प्लस का होता सी एक माइनस का होता सी ता करके कैंसिल होने चाहिए सी बट हुण आपां करवाने वाई नु कैंसिल है y पहले ही एक प्लस है एक माइनस है ठीक है इस करके साइन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ऑलरेडी एक प्लस है एक माइनस ਦਾ ਸੀ हो गया क्वेश्चन
मैम जैसे ये वाला इक्वेशन जब बनाते हैं हाँ जी वो साइन नीचे भी तो लगाते हैं ना, जैसे प्लस माइनस का हो, जैसे ये प्लस और माइनस क्या नीचे भी इसके लगाते हैं ना थर्ड स्टेप पे साइन। साइन मैं वही बता रही हूँ, अगर मैंने एक्स को कैंसिल करवाना होता ना तो एक्स तो दोनों प्लस के थे तो एक को तो माइनस बनाना पड़ना था अगर कैंसिल करवाना होता तो, ठीक है इसीलिए मेरे को इसका साइन चेंज करना पड़ता। लेकिन इस बार मैंने करवाना ही खत्म वाई को था, वाई का ऑलरेडी एक प्लस का था एक माइनस का, इसलिए मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके हो गया क्वेश्चन, चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट बोलो। यस मैम। हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 34। टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टली एंड ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टली। कहते हैं दो ट्रेन्स चलती हैं फ्रॉम पी एंड क्यू एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। ईच अदर मतलब कौन सी डायरेक्शन में चल रही हैं? ऑपोजिट। अपोजिट, एक इधर से चल रही है एक इधर से, पहली वाली चल रही है 50 की स्पीड से, दूसरी चल रही है 40 की स्पीड से। अच्छा फिर कहते हैं बाय द टाइम दे मीट द फर्स्ट ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर मोर देन द सेकंड। ऑब्वियस है इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। कहते हैं जब मिलते हैं ना तो जिसकी स्पीड ज्यादा तो ऑब्वियस है वो ज्यादा कवर करके आएगा डिस्टेंस। यस यस, चाहे मिल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि सेम डिस्टेंस कवर करके आएंगे, जिसकी स्पीड ज्यादा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आएगा। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा है? इससे 100 किलोमीटर ज्यादा कवर कर लिया। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बताना है पी और क्यू में। अच्छा मेरे को ये बताओ किसके बारे में बात नहीं करी हुई? टाइम के बारे में। टाइम की, जिसके बारे में बात नहीं करी वो इक्वल। इसका टाइम लिखते हैं पहले, इसका टाइम, टाइम की फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? इससे 100 किलोमीटर ज्यादा। इसका मान लेते हैं एक्स और इसका मान लेते हैं एक्स प्लस 100, ये दोनों का डिस्टेंस हो गया। इसने एक्स कवर किया तो इसने एक्स प्लस 100 कवर करा। यस मैम। अपॉन इसकी स्पीड कितनी है 50 की, इसकी स्पीड कितनी है 40 की। ये भी, ये इसका टाइम आ गया, ये इसका टाइम आ गया, टाइम दोनों की इक्वल है, सही है? यस मैम। पक्का? यस मैम। ए स्टेप रिपीट करें मैम। देखो उन्होंने स्पीड की गल की हुई सी, डिस्टेंस की गल की हुई सी, किसी बारे गल नहीं की हुई सी टाइम दी, टाइम की गल नहीं की सी, दैट मींस टाइम दोनों का इक्वल है। टाइम, टाइम की होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये कहंदे है एन ने 100 किलोमीटर ज्यादा कवर किया एदे नालो, तो एदा आपा एक्स मान लेने डिस्टेंस, तो एदा कितना हो जाएगा एक्स प्लस 100। हां जी, ये तो दोनों दे डिस्टेंस आ गए। नीचे की लानी होती है स्पीड, एन दी स्पीड कितनी है 50, एदी कितनी है 40। ठीक है, ए दा टाइम आ गया, ए दा टाइम आ गया, वो कहंदे दोनों इक्वल है। ठीक है, बस अगो सोल्व कर लो, एक्स दी वैल्यू कर लो, 0 नाल 0 कैंसिल करो, 4 नु x नाल कितना 4x, 4 नु 100 नाल कितना 400 इक्वल टू 5 नु x नाल कितना 5x, 400 5x, 4x नु उधर ले जाओ माइनस द 4x, ये कितना आ गया x इक्वल टू 400, सही है? दैट मींस n ने कितना x क्या मान के चले थे, इसने जितना डिस्टेंस कवर किया था, इसने 400 किया था कवर, इसने कितना किया होगा 400 प्लस 100 कितना हो गया 500, इसने 400 कवर किया होगा, इसने 500 कवर किया होगा, तो टोटल डिस्टेंस होगा कितना 900, क्योंकि ये 400 कवर करके आई है, ये 500 कवर करके आई है, तो टोटल डिस्टेंस 400 और 500 ही हो गया टोटल। हाँ जी, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 400 प्लस 500 इक्वल टू 900। मैम उसने 400 कवर किया ना, हाँ जी डिस्टेंस, हाँ जी, इसने ये 400 कवर करके आ रहा है, जब मिल रहे हैं ना दोनों
तो ये 400 कवर करके आ रहा है, तो फिर ये कितना कवर करता होगा, क्योंकि इसने 100 किलोमीटर ज्यादा कवर किया था, तो ये 500 कवर करके आया होगा। यही 500 उसका कैसे, जैसे 100 नहीं प्लस करेंगे, ये मतलब जैसे ये वाला कोई डिस्टेंस था, ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है, ये कवर कितना करके आया, 400 कवर करके आया, ये कितना कवर करके आया, ये 100, इससे 100 ज्यादा कवर किया था, ये 500 कवर करके आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस फिर कितना हो गया, 900 हो गया। नेक्स्ट चले क्वेश्चन चले। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन टेक्स 5 hours 45 minutes इन वॉकिंग टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक। कहता किसी जगह पर वो वॉक करके जाता है और आता कैसे है, राइड करके, तो उसको कितना टाइम लगता है, 5 hours 45 minutes जाता है वॉक करके, आता है राइड करके, वॉक करने का टाइम और राइड करने का टाइम, मतलब जाने का टाइम और आने का टाइम, उसको कितना लगता है, 5 hours 45 minutes upon 60 यही बनेगा गीतिका। यस मैम। इसको थोड़ा सिंपल करो, कितना पे जाएगा, 45 और 60 किस पे टेबल पे जाते हैं, 15 के टेबल पे, 15 threes are 15 fours are, तो कितना बन गया, 5 fours are 20, 23/4 सही है। यस मैम। अच्छा उसके बाद he would have gained 2 hours by riding both ways। कहते हैं उसको दो, gained का मतलब क्या हुआ, 2 hours माइनस करेंगे 5 hours में से। हाँ जी, जो टाइम दे रखा है पहले उसमें से कहते हैं वो 2 hours कम लगते हैं, कब कम लगते हैं, जब वो जाता भी राइड करके है, आता भी राइड करके है। राइडिंग बोथ वेज मतलब राइड करके जाता है, राइड करके आता है, मतलब राइड प्लस राइड इक्वल टू कितना हो गया, जितना टाइम पहले था उसमें से माइनस 2 कर दूं, क्योंकि 2 hours उसको कम लगते हैं, सही है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल करो, कितना आएगा, 4 LCM आएगा, 23 minus 4 2 is 8, कितना हो गया, 17/4 नहीं 15/4। ओके, यहाँ पर आर प्लस आर कितना हो गया, आर प्लस आर 2 hours इक्वल टू 15/4, तो आर की वैल्यू फिर कितनी आ गई, ये इधर ले जाओ, ये 4 2 किधर जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो। हाँ जी, कितना हो गया, 15/8 आ गया। अच्छा उसके बाद उन्होंने पूछा है द टाइम ही वुड टेक बोथ वॉकिंग, तो मेरे को बताना है वॉक प्लस वॉक का टाइम, मेरे को क्या बताना है, वॉक प्लस वॉक, जाता भी वॉक करके है, आता भी वॉक करके है, फिर टाइम बताओ कितना आएगा, जाना भी वॉक करके है, आना भी वॉक करके है, टाइम कितना आएगा वही बताना है, मतलब 2W की वैल्यू बतानी है मेरे को, 2W की वैल्यू। अब इसके लिए मेरे को इक्वेशन ये दे रखी है फर्स्ट वाली, यस मैम, W प्लस R कितना दे रखा था, 23/4, उसमें से R की वैल्यू निकाल चुके हम, R की वैल्यू कितनी निकाल चुके, 15/8 इक्वल 23/4, तो वॉकिंग की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, 23/4 जो 15/8 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एलसीएम 8 आ गया, 4 के टेबल पे 2 पे, 2 को 23 से करा 46 माइनस 15, तो कितना आ गया, 31/8। यस मैम। 31/8 यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, हमें 2W निकालना था ना, 2 × W की वैल्यू पुट कर दो, 31/8, 2 × 4 = 8, तो कितना आ गया, 31/4, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करो, किस पे जाएगा, 4 × 7 = 28, पीछे कितना बचा, 3 upon 4, ये तो बन गए आर्स, ये बन गए आर्स, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है,
सेवन तो आर्स बन के थ्री बाय थ्री अपॉन फोर, गीतिका क्या करना पड़ता थ्री अपॉन फोर को मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी, फोर के टेबल पे फिफ्टीन पे फिफ्टीन थ्री जा 45, तो आंसर कितना आ गया 7 hours 45 minutes. है नहीं था कुछ भी क्वेश्चन में, ऐसे ही था बस कैलकुलेशन ही थी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत वाले नहीं था क्वेश्चन. हो गया क्वेश्चन, चले नेक्स्ट. रणदीप हो गया क्वेश्चन, रणदीप हो गया? हाँ जी, हाँ जी, मैं हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन. Walking at 7/8 of his usual speed, a man reached his destination 16 minutes later than the time he usually take to reach his destination. कहते हैं जितनी स्पीड होनी चाहिए थी उस स्पीड का वो 7/8 चल रहा है, कम चल रहा है, जिसकी वजह से वो लेट कितना पहुंचता है 16 मिनट लेट पहुंचता है. चलो एक्चुअल स्पीड उसकी कितनी थी x, x और करंट स्पीड कितनी है 7/8 ऑफ x 35 है 36 क्वेश्चन नंबर है 36 ठीक है. एक्चुअल स्पीड x है लेकिन अभी किस कौन सी स्पीड पे चल रहा है 7/8 ऑफ x. पहले जितना टाइम लगता था वो पता नहीं कितना था लेकिन अभी कितना टाइम लग रहा है, जितना पहले लगता था उससे 16 मिनट ज्यादा लग रहे हैं. स्पीड की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, किसकी बात नहीं कर रहे? डिस्टेंस. सेम रखो पहली वाली कंडीशन में. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम. स्पीड मैं क्या मान लेती हूँ x थी, टाइम टी लगता होगा. चलो स्पीड एक्स थी, टाइम टी लगता होगा. अच्छा अभी स्पीड इनटू टाइम, अभी स्पीड कितनी हो चुकी है 7/8 ऑफ एक्स और टाइम कितना लगता होगा टी प्लस कितना 16/60 क्योंकि मेरे को मिनट्स में नहीं चाहिए. ओके ये सही है गीतिका? यस मैम. पक्का दोनों कंडीशन सही है ना? यस मैम. ठीक है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो फिर राइट हैंड साइड इक्वल होगी. यस मैम. चलो राइट हैंड साइड इक्वल कर दो. इसकी कितनी है राइट हैंड साइड एक्स टी, उसकी कितनी है 7/8 एक्स टी प्लस 16/60. ये 16/60 किस टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे? फोर के टेबल पे हो जाएंगे. फोर फोर जा 4 15 जा. चलो अब अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 8 नीचे इधर लेके आओ इसको, 8 को 8 एक्स टी इक्वल टू 7 x t प्लस 7x 4/15 7x into 4/15 यही बनेगा, यही बनेगा. मल्टीप्लाई करा कुछ नहीं, ये 8 को इधर लेके आई 8x t 7x into 4/15 ओके. अच्छा 7xt को इधर लेके आऊं, 8xt माइनस 7xt इक्वल टू 7x into 4/15 सही है. 8xt में से 7xt चला गया तो क्या बचा xt into 7 into x into 4/15. ये x इधर भी x के तो कैंसिल ही हो गया. t की वैल्यू फिर कितनी आ गई
टी की वैल्यू फिर कितनी आ गई, 28 अपॉन 15 आ गई। यस लेकिन मेरे को निकालना क्या है, टाइम ही निकालना था। चलो फिर तो आ ही गया, इसको करो क्वेश्चन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। वन पीछे कितना बचेगा, 28 में से 15 गए कितना होता है, 13 13 अपॉन 15। वन तो बन गया आर, वन आर। इसको कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 60। यस मैम। 15 फोर्सा तो 13 फोर्सा कितना हो गया, 52 मिनट्स। वन आर 52 मिनट आंसर। हो गया ये वाला क्वेश्चन सबका? यस मैम। इरेज कर दूं? यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो है वो, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है, ये मैंने घर से करने के लिए दिया था ना। यस मैम। नेक्स्ट है, अशोक कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 to 5 किलोमीटर एज फॉलोज। 225 किलोमीटर कैसे कवर करता है, अच्छा देखते हैं। ही कवर्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट 45 किलोमीटर पर आवर। पहले 15 किलोमीटर किस पे कवर करता है, 45 की स्पीड पे। पहले 15 किलोमीटर 45 की स्पीड पे, फिर 120 किलोमीटर 60 की स्पीड पे, एंड रिमेनिंग कितने बच गए, 120 और 15 कितने हो चुके हैं, 135। 135 225 में से 135 निकालो कितना होता है, 90 किलोमीटर किस पे कवर करता है, किस स्पीड पे, 90 की स्पीड पे कवर करता है। यहां तक सब क्लियर है सबको, सब क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अच्छा मेरे को वही फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। जब डिस्टेंस देखो अलग अलग है, सारे डिस्टेंस अलग अलग होते हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 225 ही था, उन्होंने बोला था 225 ही जाना है। टोटल टाइम, टाइम तो मेरे को पता नहीं, इसका टाइम अलग, इसका टाइम अलग, इसका टाइम अलग निकलेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 15, स्पीड कितनी है, 45 की, कितना हो गया, 1/3। इसका कितना हो जाएगा, 120/60, तो कितना आ जाएगा, 2 90/90, कितना आ गया, 1। अच्छा 1/3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 225/1/3 प्लस 3, नीचे एलसीएम लो कितना आएगा, 224। नीचे एलसीएम आ गया 3 का, 1 प्लस 3 को 3 से करा 9, ये थर्ड 3 है वो ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 225/10, जो 3 था वो ऊपर चला गया। 5 के टेबल पे कैंसिल करो, 5 2 5 4 20 5 5 25, कितना हो जाएगा, फिर इसको कर लो, पॉइंट्स में आएगा, आगे इसको कर लो। फोर्टी फाइव को 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दो, मैम एक बार दोबारा बता दो थोड़ा सा, ये
समझ आ गया था मैम? टोटल इन्होंने डिस्टेंस लिया 225 किलोमीटर ना? हाँ जी। फर्स्ट 15 किलोमीटर एट 45 किलोमीटर पे कवर कर लिया, सेकंड 120 को 60 पे कवर कर लिया। हाँ, एंड रिमेनिंग, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। रिमेनिंग डिस्टेंस पता तो चले, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? पहले वाले डिस्टेंस को कवर प्लस करके 225 में से माइनस कर देंगे। यस मैम, ठीक है। बस वही आया 90 किलोमीटर 90 की स्पीड पे। अब डिस्टेंस सारे अलग अलग है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस 225 ही था। टोटल टाइम कैसे निकलेगा? इसका अलग टाइम, इसका अलग और इसका अलग, उसका अलग निकाला है, फिर सबका, फिर तो कैलकुलेशन ही की आगे। 67.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, 67.5 किलोमीटर पर आवर। हो गया क्वेश्चन? yes, किति का हो गया आपका? यस मैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अ पर्सन वेंट फ्रॉम P टू Q एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं पी टू क्यू जाता है, ये पी है, ये क्यू है, कितनी स्पीड पे जाता है? ए की स्पीड पे। फिर क्यू टू आर, क्यू से आगे आर जाता है, कितनी स्पीड पे? बी की स्पीड पे। फिर आर से एस जाता है, सी की स्पीड से, सही है। एंड इफ पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस, पी क्यू क्यू आर और आर एस ये सारे इक्वल है, क्या मानू मैं इसको इक्वल है तो? डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्स मानेंगे सबका, क्योंकि सारे इक्वल दे रखे हैं ना। यस मैम, ठीक है। तो उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा लेकिन मैंने करवाया नहीं हुआ, 3xyz/xyyzx नहीं करो, करना तो सीधा ही आ जाओ। फिर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, हाँ जी हाँ जी, ओके। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ओवर टोटल टाइम। किसी का टोटल डिस्टेंस कितना है? 3x हो गया टोटल टाइम। इसका टाइम कैसे निकलेगा? टाइम डिस्टेंस ओवर टाइम करके निकाल लेंगे। डिस्टेंस ओवर, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 3x। डिस्टेंस कितना है? x अपॉन a। और स्पीड कितनी है? a a तो x अपॉन a आ जाएगा। यस मैम, ठीक है। इसका x अपॉन a आ गया, इसका x अपॉन b, x अपॉन c कितना आ गया? 3x। ये इसका एलसीएम कितना आएगा? ए बी सी, ए बी सी। पहले वाले के पास ए तो है, बी सी नहीं है, बी सी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? बी सी एक्स, बी सी एक्स प्लस। दूसरे वाले के पास बी है, ए सी नहीं है, ए सी को ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, ए सी एक्स। तीसरे वाले के पास सी है, ए बी नहीं है, ए बी एक्स। जो तीसरे वाला होता है पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है जाके, क्या आएगा? 3x into a b c। नीचे वाले सबके पास, ये वाले सबके पास क्या चीज है मैम? x कॉमन है मैम, x x x है। अंदर क्या बचा फिर? bc,
एसी एबी एबी एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, इसको तो कैंसिल करवा दो, आंसर कितना बचा 3abc अपॉन bc प्लस ac प्लस ab। फॉर्मूला यही होता है जब तीन इक्वल डिस्टेंस होते हैं तो उसका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला यही होता है 3abc या 3xyz अपॉन xyyz zx, ये फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। जैसे हमने दो का करा था ना, क्या था टू टू का, टू एक्स वाई अपॉन वाई एक्स प्लस वाई, यही था। यस मैम, जब वो थे जब दो डिस्टेंस इक्वल होते हैं, यहाँ पर जब तीन डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, थ्री ए बी सी अपॉन ए बी बी सी सी ए। चले नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, कार पी स्टार्ट्स फ्रॉम टाउन एक्स टुवर्ड टाउन वाई। कार पी चलती है कहां से, एक्स से वाई की तरफ, और कार क्यू चलती है फ्रॉम क्यू सो फ्रॉम वाई टुवर्ड एक्स। Both the cars start simultaneously and travel their meet after journey at a uniform speed. X y दे रखा है 200, X और Y में कितना distance है 200 किलोमीटर का, और कहते हैं both car meet after 2 hours। कहते हैं ये इधर से चल रही है ये इधर से चल रही है, तो उनको कितना time लगता है मिलने में 2 hours। If P and Q had traveled in the same direction, both the cars would have met in 4 hours. कहते हैं अगर same direction में चलती हैं तो फिर उनको कितना time लगता है 4 hours। अच्छा same direction और opposite direction में क्या चाहिए होता है, जिसको plus करूं और minus करूं? Same direction वाले को minus करना होता है मैम, opposite वाले को क्या क्या minus करते हैं, time distance speed क्या minus करते हैं? Speed मैम, speed minus करते हैं, speed पता ही नहीं है P और Q की, क्या मान लू मैं इसको एक्स वाई तो पहले दे रखा है, आप कुछ और मान लो, ए बी मान लू, ए बी यस मैम, ए बी मान लू, इसकी स्पीड मैंने ए मान ली, इसकी स्पीड मैंने बी मान ली। अच्छा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है उनको गीति का, कितना प्लस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, टाइम टाइम दे रखा है 2 hours, टाइम निकलता कैसे है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस तो 200 ही है, स्पीड कितनी है ए प्लस बी, इसको कैंसिल करवा दो कितना आएगा 100, तो 100 इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, इधर वन था ना इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एक इक्वेशन बन गई। यस मैम, दूसरी साइड कहते हैं 4 hours लगते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में टाइम दे रखा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस तो 200 ही है लेकिन स्पीड कितनी हो जाएगी ए माइनस बी। यस मैम, ये गया 450 आ, तो 50 इक्वल टू ए माइनस बी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ पी, पी की स्पीड निकालनी है, पी की स्पीड क्या मान के चल रहे हैं ए, तो मतलब बी को खत्म करें, वही ए प्लस बी कितना है मेरे पास 100 दे रखा है, और ए माइनस बी मेरे पास कितना दे रखा है 50 दे रखा है, बी को खत्म करवाना है, बी पहले से एक प्लस का एक माइनस का है, ये तो सीधा ही खत्म हो गया। Yes, कितना बच गया, ए प्लस ए 2a,
ये कितना बन गया 150, तो ए कितना आ जाएगा 75। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 41। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 115 किलोमीटर। P और Q में कितना डिस्टेंस दे रखा है 115 किलोमीटर। टू पर्सन स्टार्ट एट द सेम टाइम बट वन ट्रेवलिंग फ्रॉम P टुवर्ड Q एंड अदर ट्रेवलिंग फ्रॉम Q टुवर्ड P। एक इधर से चल रहा है इधर से उधर, दूसरा उधर से इधर चल रहा है। इफ देयर रिस्पेक्टिव स्पीड्स आर 40 एंड 52 किलोमीटर पर आवर। पहले वाले की स्पीड 40 है, दूसरे वाले की स्पीड कितनी है 52 है, तो मेरे को बताओ वेयर डू दे मीट ईच अदर। तो मेरे को बताना कहां पर वो मीट करेंगे, कितने बजे नहीं कहां पर वो मीट करेंगे। अच्छा मेरे को क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड भी दे रखी है, टाइम निकल जाएगा। यस मैम। यस मैम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस 115 है और स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस के माइनस। प्लस। प्लस होएगी, करो कितनी हो जाएगी 92। अच्छा थोड़ा सा कैंसिल हो सकता है ये किसी पे होता है? नो मैम। मतलब ये टाइम कौन सा आया मेरे को ये बताना, ये टाइम कहाँ कौन सा आया टाइम, ये वाला ये मैटिंग जहाँ पे मिलते हो, जहाँ पर वो मिलते हैं उसका टाइम। गीतिका यही आया क्वेश्चन, यही टाइम आया। यस मैम। टाइम ये है लेकिन उन्होंने टाइम नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कहाँ पर वो मिलते हैं, मतलब P से उन, देखो ऑप्शन देखो क्या है, फ्रॉम Q, फ्रॉम P, फ्रॉम Q, फ्रॉम P। मतलब मैंने ये बताना है वो P से कितनी दूरी पे मिलते हैं और या फिर Q से कितनी दूरी पे मिलते हैं। अगर मैंने P से दूरी निकालनी है, मतलब P से डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालना है तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर P से निकालना है तो P की स्पीड लेंगे, अगर Q से निकालना है तो Q की स्पीड लेंगे। P से निकाल रहे हैं तो स्पीड कितनी लेंगे 40 और टाइम तो यही लेंगे 115/92। करना कैंसिल किस पे जाएगा, आ करते हैं 2 के टेबल पे 20 पे गया, ये गया 4 एंड 6, फिर गया 2 के टेबल पे 10 पे, ये गया 23 पे, ये 23 5 का होता है, कितना आ गया 50। 50 किलोमीटर फ्रॉम P, ये डिस्टेंस P से फाइंड करा था इसलिए P से आ गया। Q से अगर फाइंड करे तो फिर स्पीड कितनी लेंगे Q की, 52 into T की वैल्यू 115/92। 2 के टेबल पे ये वही 46 पे गया, ये गया 26 पे, फिर 2 के टेबल पे 23 पे गया, ये गया 13 पे, ये 23 5 का होता है, तो कितना आ गया 65 फ्रॉम Q। अब मेरे को ये दोनों ऑप्शन में से देख लो कौन सी ऑप्शन बन रही है, 50 किलोमीटर फ्रॉम P, क्योंकि Q के साथ कौन सा डिस्टेंस आना चाहिए था, 65 आना चाहिए था, लेकिन Q के साथ 48 और 48 बता रहे हैं, वो नहीं आएगा।
गया क्वेश्चन, चले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42। रवि स्टार्ट्स बाय कार फ्रॉम मुंबई टू गोवा। After some time, he realized that he will cover only 75% of the distance in the scheduled time or take 3 hours more. Therefore, he managed to reach Goa exactly on the time. Find the time after which Ravi changed his speed. कहते हैं वो मुंबई से गोवा जा रहा था, कहते वो आराम आराम से जा रहा था, लेकिन उसको time कुछ time के बाद realize हुआ, अगर मैं इसी time पे इसी speed पे चलता रहा तो बस मैं पूरा डिस्टेंस तो कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं कितना कवर कर पाऊंगा, सिर्फ 75% उसका, सिर्फ 75%। अगर मैंने पूरा डिस्टेंस कवर करना है, जितना टाइम लगना था पहले, उससे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। दो कंडीशंस बन गई, अगर वो उसी स्पीड पे चलता रहता है तो उसको क्या लगता है, उसको क्या होता है कि मैं 75% ही कवर कर पाऊंगा। अगर मैंने पूरा डिस्टेंस कवर करना है, जितना टाइम मैंने जिस टाइम पे मैंने पहुंचना था उससे 3 घंटे में लेट पहुंचूंगा, तो उसने उसी टाइम अपनी स्पीड डबल कर दी। तो मेरे को यही बताना है उसने किस टाइम पे अपनी स्पीड डबल करी, ना मेरे को स्पीड दे रखी, ना मेरे को टाइम दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। क्या करू मैं, डिस्टेंस मानू, क्या मानू? क्वेश्चन नंबर 42, मैं जो डिस्टेंस मान लेती हूँ वो 100 मान लेती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, इसलिए डिस्टेंस को मैंने 100 मान लिया। आपको भी आवाज बैक सुनाई दे रही है? यस मैम। हाँ जी मैम। ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है थोड़े टाइम बाद। चलो मैनेज कर, कैसे अभी 5 मिनट रहते, चलो। अच्छा इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैंने डिस्टेंस पूरा का पूरा, मतलब कोई स्पीड होगी कोई टाइम होगा, स्पीड मैं एस मान लेती हूँ, टाइम मेरे को लगना था जितना टाइम वो मैं टी टाइम मान लेती हूँ, जितना टाइम लगना था वो टी टाइम मान लेती हूँ, जितनी स्पीड से मैं चल रहा था वो मैं स्पीड एस मान लेती हूँ, ठीक है। कहते हैं जिस स्पीड पे चल रहा हूँ उसी स्पीड पे चलता रहूं और जितना टाइम मेरे पास है उसी टाइम की बात करूं तो मैं पूरा नहीं पहुंच पाता, मैं कितना पहुंच पाता हूं, 75%। 100 का 75% कितना हुआ? 75 ही हुआ? यस मैम। ठीक है, मैं डिस्टेंस कितना कवर कर पाऊंगा, 75, अगर जिस स्पीड में चल रहा हूं और जिस टाइम पे मैंने पहुंचना है उस टाइम की बात करूं तो, क्योंकि उस टाइम में मैं पूरा तो पहुंच नहीं पाऊंगा, कितना पहुंच पाऊंगा, मैं सिर्फ 75% पहुंच पाऊंगा, मतलब 75 किलोमीटर पहुंच पाऊंगा। अगर मैंने 100 का 100 कवर करना है उसी स्पीड से, स्पीड उसी पे रखूं, तो मेरे को टाइम कितना लगता, जितना लगता था उससे 3 घंटे ज्यादा, मतलब T+3। ये दोनों इक्वेशंस बताओ सही है या नहीं? अगो हंस रहे हो, दसो ध्यान हैगा ही नहीं सी, है ना, वेखे ही होना क्वेश्चन। इतिका दसो तुसी। यस मैम। ठीक है संजय। यस मैम। ठीक है अपनी संजय और गीतिका वीडियो ऑन करो अपनी, बताओ सही है? यस मैम। चलो यहाँ से मैं एस और टी की वैल्यू निकालो, क्या करूं मैं, इधर इसको खोलो, एस को टी से करा एस टी, प्लस एस को 3 से करा 3s। यस ठीक है, 100 इक्वल टू एस टी की वैल्यू कितनी है, एस टी की वैल्यू कितनी है, 75 प्लस 3s, इधर माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 25 इक्वल टू 3s, तो s की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, 25/3। ये तो मेरे पास आ गई स्पीड, लेकिन उन्होंने तो टाइम की बात बोली है, एक में पुट करके टाइम निकालो, मैं पहली में पुट कर रही हूँ, 75 इक्वल टू s3 था,
5 अपॉन 3 75 3 ऊपर चला गया 25 नीचे आ गया तो कितना बन गया p कितना आ गया 9 आ रहा मतलब 9 आवर्स उसको टाइम कितना लगना था 9 आवर्स लगने थे उसको रियलाइज कितने उसको ये भी रियलाइज हुआ था कि उसने मेरे को ये नहीं फाइंड करना कि कितना टाइम लगना था उसको ये बताना है कितने टाइम बाद उसने अपनी स्पीड डबल कर दी अच्छा वैसे टाइम कितना लगना था 9 आवर्स लगने थे लेकिन 3 घंटे उसको एक्स्ट्रा लगने थे दैट मींस उसको कब रियलाइज हुआ कि मैं अपनी स्पीड डबल करूं 9 आवर्स लगने थे लेकिन 3 आवर्स ज्यादा लगने थे दैट मींस उसने अपनी स्पीड कब डबल करी होगी 6 आवर बाद टाइम कितना लगना था 9 आवर्स लगने थे लेकिन उसको क्या रियलाइज हुआ था कि 3 घंटे मेरे को ज्यादा लगेंगे 3 घंटे कम करने के लिए उसको मतलब उसने अपनी स्पीड डबल कब करी होगी वो 3 घंटे कम कर दो मतलब कितने 6 घंटे बाद उसको रियलाइज हुआ होगा कि मेरे को स्पीड अब डबल करनी है तो आंसर कितना आ गया 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 आवर्स टाइम टी क्या मान के चले थे जो ओरिजिनल टाइम था ना टाइम लगना था मतलब इतना लगना था लेकिन कहता कि मैं उसी स्पीड पे चलता रहा तो नो नहीं मेरे को तो 12 घंटे लगेंगे क्योंकि 3 वो कहता ज्यादा लगेंगे तो 3 कम करवाएंगे तभी तो उसको रियलाइज होगा ना कि मेरे को स्पीड अब डबल करनी चाहिए अगर मेरे को टाइम पे पहुंचना है तो उसने अपनी स्पीड कब डबल करी 9 में से 3 जो आवर्स ज्यादा लगने थे वो माइनस कर दिए कितने 6 आवर्स बाद उसको रियलाइज हुआ कि मेरे को स्पीड अब डबल करनी चाहिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन हो गया सबका यस मैम हाँ जी मैम चैप्टर ही बहुत लंबा हो गया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी And B runs twice, thrice as fast as C. A double दुगना भागता है तेज किससे B से और B three times तेज भागता है C से. ये speed की बात कर रहे हैं. A yes, A B पे depend करता है, B C पे depend करता है. A B पे depend करता है, B C पे depend करता है. जो आगे आगे depend करता है उसको मानू किसको मानू मैं अक्सर सी को सी की स्पीड में स्पीड मान लेती हूँ स्पीड ऑफ सी में क्या मान लेती हूँ एक्स फिर बी की स्पीड कितनी हो जाएगी उन्होंने बोला कि जो बी है वो 3 times तेज भागता है मतलब 3x हो जाएगा 3x ए क्या कहता है ए बी से दुगना भागता है तेज बी का डबल कितना हो जाएगा 6x अच्छा बी आगे थ्राइस 3 गुना तेज भागता है सी से मतलब ए की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है जितनी बी की होगी उसका डबल मतलब बी पे डिपेंड कर रही है B की आगे स्पीड C पे डिपेंड कर रही है B A B पे डिपेंड करता है B C पे डिपेंड करता है जो आगे आगे डिपेंड करता है उसको मान लो X C को मैंने मान लिया X तो B की स्पीड कितनी थी C से 3 times मतलब 3 गुना 3x हो गया फिर A की स्पीड कितनी है B से डबल B का डबल 3x का डबल कितना हो जाएगा 6x ये मेरे को पास आ गई सारों की स्पीड
स्पीड मानो कितनी आ गई, 6x, 3x और x। लेकिन मेरे आगे उन्होंने क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इन 72 मिनट्स विल बी कवर्ड बाय ए इन। कहते हैं डिस्टेंस सी ने कवर किया जितना 72 मिनट में, मेरे को बताओ ए कितना कवर करेगा। अब मेरे को क्या दे रखा 72 मिनट्स, मतलब टाइम दे रखा है। यस मैम। मेरे पास ये रेशियो किसकी है, स्पीड की। यस मैम। मैंने बताया था कल स्पीड से टाइम के रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। लेकिन तीन है तो ऐसे नहीं कर सकते सीधा, 1, 3, 2, 6 ऐसे नहीं कर सकते, इसको उल्टा करना पड़ेगा। 1/6x, 1/3x और 1/x, ये स्पीड की रेशियो थी, वहां से मैं टाइम की रेशियो बना रही हूँ। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6, 3 और 1 का 6 आएगा। 6 के टेबल पे 1 पे 1 को x से करा 1x, 3 के टेबल पे 2 पे 2 को करा x 2x, ये कितना हो जाएगा 1 के टेबल पे 6 6x। ठीक है, सही है। कितना आ गया, 1x आ गया, 2x आ गया और 6x आ गया। अच्छा उसके बाद को ये मेरे पास टाइम की रेशियो आई है। कहते हैं डिस्टेंस कवर करा सी ने कितने टाइम में, 72 टाइम में। हमारे अकॉर्डिंग सी का टाइम कितना है, 7x मैम। x कितना, x स्पीड है, 6x है, 6x है। सी का टाइम 6x है, x थोड़ा ना। यस मैम, यस मैम। टाइम कितना है सी का, 6x हमारे अकॉर्डिंग 6x है, उनके अकॉर्डिंग 72 मिनट्स है। तो यहां से x की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, 72 अपॉन 6 मतलब 12 मिनट्स। तो मेरे को कहते हैं ए का टाइम बताओ, ए का टाइम कितना है हमारे अकॉर्डिंग, x। हमारे अकॉर्डिंग ए का टाइम कितना है, x, x से 1x निकल गई, बस यही आंसर आ गया। अगर वो कहते हैं बी का टाइम निकालो तो फिर मेरे को 2x निकालना पड़ता, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता उसको। समझ आया मैम, लास्ट हमने 6x उनके अकॉर्डिंग 72 है, उसको इक्वल कर दिया हमने अपने टाइम से। अपने हमारे अकॉर्डिंग जो टाइम था और उनके जो अकॉर्डिंग टाइम था उनको दोनों को इक्वल कर दिया, वहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। फिर उन्होंने बोला a का टाइम निकालो, हमारे अकॉर्डिंग a का टाइम कितना था, 1x था, तो 1x निकाल, सीधा ही आ गया आंसर। अगर वो कहते b का टाइम निकालो, 2x निकालना था, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें। ठीक है, यस मैम।